हेलो फ्रेंड्स, मेरा चैनल दौड़ीगनों की तरफ से आप सबको स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए पुरी का जगन्नाथ मंदिर का 56 भोगों में से एक भोग का रेसिपी लेके आई हूँ। मेरा आज का रथ यात्रा स्पेशल रेसिपी है रसाबली। रसाबली एक मिठाई का रेसिपी है। चलिए देख लेते हैं रसाबली बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। फुल क्रीम दूध, दही, चीनी, पाउडर चीनी, मैदा, छोटी इलायची और घी। पहले हमें दूध को फाड़ के छेना बनाना है। छेना बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। आज मैं दही डाल के छेना बनाऊंगी। दही का बदले में आप विनेगर या नींबू से भी दूध को फाड़ के छेना बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5 टेबलस्पून दही और 5 टेबलस्पून पानी को एक साथ मिक्स कर लेंगे। लेकिन दही कितना खट्टा है उसका ऊपर डिपेंड करेगा दही कितना चाहिए। दूध में उबाल आ गया, अभी मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी। फिर थोड़ा थोड़ा करके दही में मिला हुआ पानी डालूंगी और हल्का हाथों से मिक्स कर लेंगे। मैंने जो दही यूज किया वो ज्यादा खट्टा नहीं। मैंने यहाँ पे 10 टेबलस्पून दही यूज किया। दही डाल के दूध फाड़ने से छेना ज्यादा बनता है। अभी छेना को छान लूंगी। छेना धोने का जरूरत नहीं। अगर विनेगर या नींबू से दूध फाड़ेंगे तो छेना धोने का जरूरत होता है। अभी छेना को हैंग करके रखना है 30 से 45 मिनट्स के लिए। इसी प्रोसेस में छेना बनाने से छेना बहुत सॉफ्ट होता है। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले लिया। अभी इसमें 1 लीटर फुल क्रीम दूध डालूंगी। फिर दूध को लो से मीडियम फ्लेम में उबलना है 50% रिड्यूस होने तक। 45 मिनट्स हो गया, छेना रेडी हो गया। अभी छेना को मसलना है। छेना में बिल्कुल दाना नहीं होना चाहिए। अभी छेना में 1.5 से 2 टेबलस्पून मैदा डाल के मिक्स करना है। यहाँ पे छेना थोड़ा ज्यादा बना है, इसलिए मैं यहाँ पे 1.5 से 2 टेबलस्पून मैदा डालूंगी। अगर आप विनेगर या नींबू से दूध फाड़ेंगे तो आप 1 टेबलस्पून मैदा डालिएगा। फिर यहाँ पे 2 पीस छोटी इलायची का पाउडर, 1 टेबलस्पून पाउडर चीनी और 2 पिंच खाने का सोडा डाल के हल्का हाथों से मिक्स कर लेंगे। अभी हाथों से थोड़ा घी लगा के छेना को शेप देना है। यहाँ पे दूध बॉईल होके लगभग गाढ़ा हो गया। अभी इसमें 3 पीस छोटी इलायची और 1/2 कप चीनी डाल के इसको और थोड़ा बॉईल करना है। चीनी आप अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने रिफाइन ऑयल डाल दिया। अभी इसमें 4 टेबलस्पून घी डालना है। ये तेल को मीडियम गर्म करना है। मैंने सारे मिठाई बना लिया। अभी इसको ये तेल में डालना है और ये मिठाई को लो से मीडियम फ्लेम में गोल्डन ब्राउन करके फ्राई करना है। फ्राई हो गया और यहाँ पे दूध भी बॉईल होके आधा हो गया। मैंने टोटल 30 मिनट्स लो से मीडियम फ्लेम में बॉईल किया। अभी फ्राई किया हुआ मिठाई भी ठंडा हो गया। अभी इसको दूध में डालना है। 10 से 12 मिनट कवर करके बॉईल करना है।
लास्ट 5 मिनट ढक्कन खोल के बॉयल करना है। रसाबली ठंडा होने का बाद और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर में ऐसे मिट्टी का बर्तन में जगन्नाथ महाप्रभु का सामने भोग लगाया जाता है। अभी रसाबली को मैं थोड़ा काट के दिखाऊंगी कितना सॉफ्ट बना है। बस रेडी हो गया उड़ीसा का फेमस मिठाई का रेसिपी रसाबली। मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।